फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7, ठीक है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दोनों का सेम, इट्स ड्रिल्ड आउट। ये एक कॉनिकल कैविटी, इसको पूरा कट करके पूरा निकाल दिया इसको, ठीक है, निकाल दिया इसको बाहर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड तो यही बचने वाला है सिर्फ इतना सा। सो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो फर्स्ट मैं टोटल वॉल्यूम निकालूं इसका, और उसमें से ये जो वॉल्यूम मेरा कोन का जो पार्ट है इसको माइनस कर दूं, और कोन के लिए जो हाइट अपने पास ये दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सो जो सिलेंडर उसके लिए वॉल्यूम अपने पास जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर और एच, माइनस कोन के लिए जो फॉर्मूला था वो 1/3 पाई। अब रेडियस क्योंकि दोनों का सेम है तो मैं इसको फिर से आर स्क्वायर, और हाइट डिफरेंट है, सिलेंडर के लिए जो हाइट है वो 30 और जो कोन उसके लिए हाइट 24, कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको ले लो, एक पाई और आर स्क्वायर कॉमन, एच माइनस 1/3 स्मॉल एच, ठीक है। तो इधर करते हैं अभी, सो दिस 22/7, आर रेडियस अपने पास 7 स्क्वायर, हाइट इधर पे ये 30 माइनस हाइट ऑफ कोन 24/3, इधर से ये 7 और ये 7 कैंसिल, सो दिस 22 × 7 30 माइनस, इसको कट किया तो ये 8, सो यहाँ आएगा अपने पास ये दिस 22 × 7 और यहाँ पर ये 22, मल्टीप्लाई करने से 22 × 7 × 22 ये आ रहा है अपने पास 3388, ठीक है, ये अपना हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अभी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब पेंट करना है, और कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ जाएगा, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ना, पहले इसमें चारों तरफ जा करके पेंट करना। यहाँ भी अपने पास मटेरियल है, देखो सिर्फ ये पार्ट जो अंदर का दिख रहा है, इसको जो हम लोगों ने इसको निकाला है बाहर, पेंट करने जाऊँगा घर में, ठीक है, इसको अगर मैंने ऐसे रख दिया, आपको नहीं दिख रहा है ना कि नीचे क्या है, आपने जाकर के ये यहाँ से पूरा चारों तरफ पेंट किया, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर वो तो पूरा लेना है। फिर सॉलिड का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ भी जाके पेंट करना पड़ेगा ये, ठीक है, यहाँ पर भी पेंट हो गया। और अगर इसके नीचे चले जाएं हम लोग, ये नहीं था बर्थडे का जो कैप होता है उसको अगर आपके सर पे अगर मैं रख दूँ तो अंदर का जो पार्ट है आप तो चाहोगे कि वहाँ पर भी पेंट होना चाहिए, अच्छा से कलर होना चाहिए, तो वहाँ भी अंदर जा करके यहाँ पर पेंट करके आना है। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सिलेंडर के लिए जो कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस यहाँ पर अपने को सर्कल शेप में, सो ये पाई आर स्क्वायर प्लस अंदर जब यहाँ पर गए हम लोग, सो ये कोन के लिए जो है वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कॉमन मुझे दिख रहा है ये कैपिटल आर, एक पाई कॉमन सब में, रेडियस भी सबका सेम, सो यहाँ अपने पास आया सिर्फ 2H प्लस यहाँ पर एक R बचने वाला है प्लस यहाँ पर एक L। स्लैंट हाइट नहीं मालूम है, देखो स्लैंट हाइट हम लोग फाइंड करने वाले हैं, 24 दिया ये 24,
ये 7। सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करना, ठीक है, आप फाइंड करना इधर 24 इधर 7। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो यूज करने वाले हम लोग, तो ये स्लैंट हाइट ये आ जाएगा अपने पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट मैं उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस पाई वैल्यू इज 22/7, रेडियस है 7, यहाँ पर ये 2 × हाइट, टोटल जो हाइट है वो 30 प्लस रेडियस 7 प्लस स्लैंट हाइट 25। सो ये 7 और ये 7 कैंसिल, यहाँ पर ये 22 मल्टीप्लाई किया तो ये 60 प्लस 7 प्लस 25 22 बस सबको प्लस करना है। सो यहाँ पर ये प्लस करने से अपने पास आ जाएगा 92 एंड दिस 22 × 92 मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर बोर्ड में मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको कुछ पार्ट कौन रहने वाला है, कुछ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सारे फॉर्मूले जो थे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। इनकेस क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये टॉपिक आप छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर करोगे तो आपका जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ दिस कोन, टोटल जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन, देखो इसके ऊपर एक छोटा सा जो कोन है ना इसको कट करके निकाल दिया है, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय ए प्लेन, एक यहाँ पर एक प्लेन, बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इफ इट्स वॉल्यूम, इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, जो कोन है इसका 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन कोन, ये जो छोटा सा पार्ट कट किया है इसका जो वॉल्यूम है ये 1/27 है वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। सो फाइंड क्या करना है, एट वॉट हाइट अबाउट द बेस, बेस से कितनी हाइट पर जाकर के इसको कट किया है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक सिमिलर ट्रायंगल का जो छोटा सा एक पार्ट था उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है वो, बस छोटा सा एक ये अपने को दैट ये ट्रायंगल जो ए बी सी और यहाँ पर ये डी और ये ई, तो ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है दिस ए बी सी और ये जो बड़ा ट्रायंगल ए डी ई, ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, देखो छोटे एंगल में ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये एंगल अपने यहाँ पर, सो दो एंगल्स अपने इक्वल हो गए, इट मीन्स थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। और अगर ऐसा है तो फिर हम लोग सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग जो हमारे पार्ट्स रहते थे उसका जो हम लोग रेशियो लिखेंगे, ठीक है, उसका हम लोग जो रेशियो लिखने वाले हैं वो इक्वल रहता था। सो इसको अगर मैं छोटा आर दैट इज स्मॉल आर और ये मेरा कैपिटल आर, ए बी जो है ये स्मॉल हाइट और यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा आया मेरे पास इसको मैं कैपिटल एच बोल देता हूँ, कैपिटल हाइट। सो जो रेशियो लिखने वाले हम लोग यहाँ पर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है, पहले मैंने छोटे ट्रायंगल का देखो लिखा है हाइट, सो यहाँ पर हाइट रेडियस जो लिखा है पहले, और अगर हाइट लिखने जा रहा हूँ तो पहले मैं स्मॉल एच फिर यहाँ पर ये कैपिटल एच, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है उसको लिखना है। अब स्मॉल आर नहीं मालूम है, कैपिटल आर वो भी नहीं मालूम है, सो जो मालूम है उसको लिखते हैं पहले हम लोग, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन दिस कैपिटल एच हाइट ऑफ दिस कोन, ये दिया है अपने पास 30, ठीक है, इतना करके छोड़ देते हैं। जो सेकंड जो अपने पास एक और डाटा दिया है उसको यूज़ करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रायंगल दिस कोन ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी इक्वल टू 1/27 वॉल्यूम ऑफ कोन ये ए, इधर पे नाम देता हूँ मैं ये एफ, ए एफ ई, ए एफ ई,
सो कोन के लिए जो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/27, और जो ये पूरा ये भी तो कोन है, इसके लिए भी फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देते हैं हम लोग। 1/3 और 1/3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई ये भी कैंसिल हो गया। अपने पास अब जो बच रहा है यहाँ पर ये स्मॉल आर स्क्वायर हाइट इक्वल टू 1/27 कैपिटल आर, ठीक है ये भी नहीं मालूम है, सो दिस आर स्क्वायर और हाइट टोटल ये अपने पास 30, सो दिस आर स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर आया है जो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कट करने से ये 3 से कट किया, ठीक है ये 9 टाइम्स और ये 10, सो ये आर स्क्वायर तो अपॉन में आ गया, सो इधर ये 10 अपॉन एक ये 9 और h ये नीचे आ गया स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है। ये जो अपने पास रेशियो दिया है, ये जो रेशियो दिया है वो किसके इक्वल था, h बाई 30, सो इट मीन्स यहाँ पर जो अपने पास ये जो अपने पास आया है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल स्क्वायर में आ रहा है, इसके प्लेस में मैं h बाई 30 जो है उसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 10 अपॉन 9h। यहाँ पर ये है एच स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन 9h, सो यहाँ पर ये आया 9 और एच स्क्वायर इंटू एच, सो दिस एच क्यूब इक्वल टू यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर ये 30 स्क्वायर, सो दिस 9h क्यूब इक्वल टू 10 इंटू 30 स्क्वायर इट मीन्स 900, दिस 9 वन टाइम्स और यहाँ कट किया तो ये 100, एच क्यूब इक्वल टू 100 इंटू 10 सो इट इज़ 1000, दैट इज 10 क्यूब, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, सो ऑन कंपेयरिंग दिस एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है हाइट जो अपने पास है वो आ गया स्मॉल एच, ये आया अपने पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, दिस एच अपॉन 30 स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन 9h, ठीक है इसको किया था ठीक है अभी दिख रहा है, बट जो हाइट h जो फाइंड किया है वो तो टॉप से किया है, क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द हाइट फ्रॉम द बेस, टोटल कितना था अपने पास ये 30, उसमें से ये जो 10 आया इसको माइनस करेंगे, सो फ्रॉम द बेस जो अपने को आंसर फाइंड करना है, इधर लिख रहा हूँ फ्रॉम द बेस जो हाइट जिस पर कट किया था वो आएगा 30-10 ये आएगा 20 सेंटीमीटर, और यही फाइनल अपना आंसर।